जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख रहे होंगे और बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर जो आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट रिलीज होने वाली है 9000 पदों के लिए, उसकी अप्लाई ऑनलाइन डेट कब होने वाली है। सो आज की इस वीडियो में अप्लाई ऑनलाइन डेट आ चुकी है, तो आज की इस वीडियो में अप्लाई ऑनलाइन डेट मैं आपको बताने वाला हूँ। उस दिन से आपके फॉर्म जो हैं अप्लाई ऑनलाइन डेट शुरू हो जाएंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके कोई भी डाउट हो, जैसे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि सर एज कब से काउंट की जाएगी, सर हाइट कितनी मांगी जाएगी, सर फिजिकल पहले होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा, सारे डाउट्स आपको आज की इस वीडियो में पता चलने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और भाई वीडियो बढ़िया लगे ना तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस पद के लिए वैकेंसीज आएगी। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए वैकेंसीज आने वाली है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, 9000 पोस्ट आएंगी, मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसमें भर सकते हैं। यहाँ पे एक खुशखबरी की बात है फीमेल्स के लिए कि 4500 पद जो आएंगे वो फीमेल्स के लिए रिजर्व होंगे, यानी कि 50% फीमेल इसमें फॉर्म पूरी इसमें वैकेंसीज मिल जाएंगी। यानी 9000 पद में 4500 फीमेल इसमें ली जाएंगी और 4500 मेल्स कैंडिडेट्स लिए जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर इसकी एज कब से मांगी जाएगी। आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी एज, कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 से 25 के बीच में इसकी एज होने वाली है, और इसकी जो डेट काउंट की जाएगी यानी कब से, 1/7/2021 से, यानी कि बोल बता दें आपको कि 1 जुलाई 2021 से इसकी एज काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2021 तक आपकी एज 18 होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। SC ST अगर आप कैंडिडेट्स हैं तो 5 साल का एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा, यानी कि आप लोग 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, और OBC कैंडिडेट्स को 3 साल का, यानी कि वो लोग 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं RPF का। यहाँ पे बात कर लेते हैं RPF कांस्टेबल PST और PET की, यानी कि इसमें इसमें फिजिकल कितना मांगा गया है। तो यहाँ बात कर लेते हैं जनरल वालों की, जनरल वालों के 165 सेंटीमीटर मेल्स कैंडिडेट्स के लिए इसमें मांगा गया है। फीमेल के लिए हाइट मांग देखते हैं, देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर फीमेल्स के लिए हाइट यहाँ पे रखी गई है। SC ST की बात कर लें, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है, और फीमेल अगर SC ST है तो 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अगर आप लोग पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो 163 सेंटीमीटर मेल्स कैंडिडेट्स के लिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हाइट रखी गई है। फीमेल्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है, लेकिन मेल्स कैंडिडेट्स का यहाँ पे आप देख सकते हैं 80 सेंटीमीटर जनरल और OBC कैंडिडेट्स का होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी करके दिखाना होगा। अगर आप लोग SC ST हैं तो 76.2 से 81.2 यानी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने वाला आपको दिखाना होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें रनिंग की कितनी, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के डाउट था कि सर इसमें रनिंग कितनी मांगी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1600 मीटर विद इन 5 मिनट 45 सेकंड में आपको क्लियर करनी होगी अगर आप मेल्स कैंडिडेट्स हैं, और फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो 800 मीटर सिर्फ रनिंग होगी, 3 मिनट 40 सेकंड में आपको निकालनी होगी। मेल कैंडिडेट्स की लॉन्ग जंप की बात कर लें तो मेल कैंडिडेट्स की लॉन्ग जंप 14 फिट रखी जाती है और हाई जंप 4 फिट रखी जाती है। फीमेल्स के लिए 9 फिट और हाई जंप 3 फिट रखी जाती है। ये फीमेल्स की मैं बता रहा था, और भाई वीडियो बढ़िया लग रहा हो ना तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहले आप विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी की अपडेट, रिजल्ट की अपडेट सबसे पहले सबसे आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा बताया जाता है। बात कर लें इसकी क्वालिफिकेशन की कि सर बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर मैं सिर्फ 10th पास हूँ तो क्या इसका फॉर्म फिलअप कर पाऊँगा। तो जी हाँ, इंडियन RPF सिर्फ आपसे 10th पास मांगता है। आपकी परसेंटेज चाहे 35% हो या फिर 40% हो, चाहे आपके 92 हो, उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ आपका 10th पास होना चाहिए। आप लोग किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो सब लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड पास ऑफ कॉन्स्टेबल फॉर नोटिफिकेशन इंडियन RPF, यानी कि सिर्फ 10th पास इसमें आपको, यहाँ पे आपको सिर्फ 10th पास अगर आप हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स का सिलेबस था कि सर इसका सिलेबस क्या रखा जाएगा, और इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि जो इसका एग्ज़ाम कराया जाएगा वो ऑनलाइन कराया जाता है, यानी कि ऑफलाइन इसका एग्ज़ाम नहीं कराया जाता, इसका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाता है। CBT का यही मतलब होता है। अभी आपको ये भी बताऊंगा मैं कि सबसे पहले
ऑनलाइन एग्जाम कराया जाएगा या फिर आप लोगों का फिजिकल कराया जाएगा। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे और इसमें 50 मार्क्स मैक्सिमम दिए जाएंगे। और अर्थमेटिक के यानी कि जो आप लोग प्रॉफिट लॉस परसेंटेज CISI और एवरेज पढ़ते हैं उसके 35 आपको क्वेश्चन आने वाले हैं और मैक्सिमम मार्क्स आपको 35 मिलेंगे अगर आप लोग राइट करते हैं सारे 35 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आते हैं जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स आपको 35 दिए जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं और 100 अगर आप सारे राइट करते हैं तो 120 नंबर मिलेंगे। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग भी रखी जाती है, यानी कि अगर आप तीन आंसर को आपने जो क्वेश्चन किए गलत करते हैं तो आपका एक राइट आंसर आपका कट कर दिया जाता है। यहाँ पे सैलरी दे सकते हैं 5,200 से 20,200 के ग्रेड पे में आपको सैलरी यहाँ पे मिल सकते हैं। लेवल 5 आपको यहाँ पे मिलता है। यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले इसे सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे CBT कराया जाएगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। फिर इसके PET PMT यानी फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, आपकी हाइट चेस्ट वेट और रनिंग कराई जाएगी। रनिंग और चेस्ट हाइट वेट उसी दिन ही नापा जाता है। बात कर लेते हो लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, जिस दिन फिजिकल होगा आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा और मेडिकल एग्जामिनेशन कराकर आप लोग को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये सिर्फ 4 स्टेप आपके तो होते हैं, अगर आप लोग इन 4 स्टेप में सब कुछ क्लियर होते हैं तो आप लोग को आपके कंधों में RPF की वर्दी आप लोग के कंधों में चढ़ चुकी होगी। बात कर लेते हैं इसकी फीस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस भी SC ST के लिए 250 रुपीज़ आपको पे करने होंगे, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए 250 और फीमेल्स के लिए भी 250 पे करने होंगे और जनरल और OBC के लिए 500 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। इसमें 250 रुपये आप लोग के रिफंड हो जाते हैं, चाहे आप लोग फीमेल हो चाहे फीमेल हो चाहे किसी कैटेगरी से हो, 250 रुपये इंडियन RPF के द्वारा रिफंड भी कर लिए जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 रुपये बिल भी रिफंडल दिखा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, 250 रुपये तक रिफंड हो जाते हैं, लेकिन जो 500 रुपये जिनकी फीस लगती है उनके 400 रुपए तक भी रिफंड आ जाता है। अब बात कर लेते हैं इसकी, ये कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया के कैंडिडेट्स हो तो आप लोग इसकी फॉर्म भर सकते हैं मेल एंड फीमेल्स के लिए। अब और स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा हो रहा कि सर इसकी अप्लाई ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट होने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अक्टूबर 2021 में इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं नवंबर 2021 में इसके लास्ट डेट आने वाली है, यानी कि आप जान लीजिए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या फिर सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में इसके अप्लाई ऑनलाइन डेट स्टार्ट हो जाएगी और नवंबर में इसके फॉर्म एंडिंग डेट होगी, क्योंकि 3 साल से इसकी कोई भी वैकेंसीज को रिलीज नहीं किया गया है। बहुत होते RPF कोई भी वैकेंसी रिलीज नहीं की गई है। अगर आपके कोई भी डाउट हो इस वैकेंसीज को लेके, क्योंकि मैंने सारे डाउट्स को क्लियर कर लिया, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब अलर्ट सर्च करिएगा विदाउट स्पेस, गवर्नमेंट जॉब अलर्ट आप लोग सर्च करिएगा विदाउट स्पेस में, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहीं पर आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और भाई वीडियो बढ़िया लगा हो ना तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि न्यू वैकेंसी अपडेट रिजल्ट के लिए सबसे पहले सबसे आपको हमारे ही यूट्यूब चैनल के द्वारा दी जाती है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है RPF की वैकेंसीज को लेकर तो आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।